अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर साहब, दीवू को क्या हुआ है? अनमोल जी, मैंने चेक किया है, ना तो इनको फीवर है और ना ही पेट अपसेट है। ब्लड सैंपल ले लिए, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। क्या हो गया इसे? अरे अरे मम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? प्रिंसेस की खबर बाद में लेना, पहले ये तो जान लीजिए ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि मैंने प्रिंसेस को तुमने दीपू के साथ। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा प्रिंसेस को, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो भाई नहीं बच पाएंगे। श्रवण, तुम दीपू के साथ हमारे परिवार के साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? वजह आप जानती है मम्मी, फिर बार बार क्यों पूछ रही है? फिलहाल के लिए जाइए और जैसा मैंने कहा है वो करी। रमन, रमन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर हमने रजत को जाने के लिए कह भी दिया वो हमारी बात नहीं मानेगा, कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। यू हैव अ पॉइंट, कारण नहीं है ना आपके पास। कोई बात नहीं, कारण मैं आपको देता हूं। आइए। बार मैं अकेली नहीं आई हूं, उसके साथ आई हूं जो मुझे मेरा हक दिलाएगा। रजत, दीवू ठीक है ना? हाँ माँ, वो डॉक्टर साहब आए थे, वो दीवू को दवाई खिला दिए हैं, शाम तक दीवू ठीक हो जाएगी। रजत, ऐसे एक बात पर गौर किया है तुमने? जब से अनमोल इस घर में आई है तब से दीवू किसी ना किसी मुसीबत में पड़ रही है। माँ, ये आप क्या कह रही? वही जो सच है। ये माँ को अचानक क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रही? पता नहीं, हमें भी समझ में नहीं आया। माँ, आपने अनमोल के लिए ऐसा क्यों कहा?
कि यही सच है। देख लेना, जब तक अनमोल यहां रहेगी, हमारी दीहू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी स्वस्थ नहीं रहेगी। आप क्या कह रही? रजत, जब हम किसी का हक छीनते हैं तो उसकी आ जरूर लगती है, लेकिन मां, हमने किसका हक छीना है? बताइए, अब किसके बारे में बात कर रही हैं? कौन है वो? बताइए मां। गई? हाँ, आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? हमें तो लगता है कि तुम मिट्टी की नहीं, लोहे की बनी हुई हो, जिस पर ना ही किसी चीज का असर होता, ना ही किसी बात का। अब बताओ, क्यों आई हो यहाँ? अनमोल, विदुला से तमीज से बात करो। आप इससे तमीज से बात करने के लिए कह रही? वो औरत जिसने इस घर को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने हमारी जिंदगी में तूफान ला दिया, उससे तमीज से बात करें हम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने कुछ तो किया है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे? कहीं इसने आपको धमकाया तो नहीं? बताइए, इसने क्या किया आपके साथ? नहीं रजत, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें किसी ने नहीं धमकाया। अरे नहीं धमकाया तो आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? वो औरत जिसने मेरी और अनमोल की जान लेने की कोशिश की, आप उसका फेवर ले रही है? बताइए क्यों? रजत, हम मृदुला के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम मृदुला की होने वाली संतान के पक्ष में बोल रहे हैं। होने वाली संतान? मतलब? रजत, तुम फिर से पापा बनने वाले हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है? ये नहीं हो सकता। उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था रजत? उस रात हम बिल्कुल उस तरह करीब आए थे जिस तरह से एक पति पत्नी आते हैं। पता था मुझे तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए रिपोर्ट साथ लेकर आई हूं। ये सच नहीं है। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।